नमस्ते बालाजी हिंदी तारों में, मैं कृष्णादास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 15 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ वर्गो आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन शेयर कर रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक में ये सब सोर्स के कार्ड आए हैं। आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनका करंट एनर्जी अगर मैं चेक करूं, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। जिनके साथ आप रिश्ते में हो ये बंदा या बंदी मुझे लगता है बहुत ज्यादा परेशान है, मेंटल कंफ्लिक्ट है, दुविधा में है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, इनको क्लैरिटी नहीं है। एक तरफ इनका विश है जो इसे पूरा करना है, विश फुलफिलमेंट का इंतजार कर रहा है और आप इनका विश फुलफिलमेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज ये है आप किसी भी तरीके के रिश्ते में हो, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, बाद में शादी करेंगे वैसा हुआ, किसी के साथ शादीशुदा हो लेकिन किसी के साथ दिल से जुड़े हुए हो, उस रिश्ते में भी हो, कभी इस रिश्ते में कोई नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो लेकिन नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो भी तीन तरीके की रिश्ते के बारे में मैं बोल रही हूँ। हर रिश्ते में एक ही चीज दिखाई दे रहा है, बंदा या बंदी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, या तो पैसों की प्रॉब्लम और आपको लेके, दूसरा अपनी विश और आप, तीसरा किसी और रिश्ते में है और आप भी हो और आप उनका विश फुलफिलमेंट हो, किसी के साथ उनकी दायित्व है, इस वजह से बंदा परेशान है, किसी के लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, किसी की मदद से फिनेंशियल स्टेबिलिटी लेके अपना विश पूरा करना चाहते हैं, इस वजह से परेशान है, इनका विश भी पूरा करना है, किसी से फिनेंशियल मदद भी लेना है, रिश्ते में भी स्टेबिलिटी लाना है, क्लैरिटी लाना है, इस वजह से बंदा या बंदी परेशान है और दुविधा में है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है वर्गो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं।
आपके पोषण कार्ड देख लो पहले, फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ पांडकल्स और नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपके पोषण जो दुखी हैं, परेशान हैं, खुद को जो मैंने जो कहा कि ये दुविधा में है, ये अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं और स्टेबिलिटी के साथ आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, लव ऑफर, फिनेंशियल स्टेबिलिटी का ऑफर, क्योंकि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, किसी भी तरीके का रिश्ता हो, रिश्ते में नो कांटेक्ट चल रहा है, परेशानी है, तो ये उनके लिए एक चैलेंज भी है, ये आपको खुशी देना चाहते हैं, कुछ फिनेंशियल स्टेबिलिटी ये आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं जो उनको भी मिलने वाला है। दूसरी बात, ये आपको एक स्टेबल लव ऑफर देना चाहते हैं, ये आपको खुशी देना चाहते हैं, जो इनके पास है वो उससे खुश नहीं है, क्योंकि इनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो डिमांड है खुद से, वो बहुत हाई है, तो जो है इसीलिए खुश नहीं है, ये डिसअपॉइंटेड है, डिससेटिस्फाइड है, लेकिन फिर भी ये कोशिश करना चाहते हैं स्टेबिलिटी को पाने की, कुछ नया करने की, रिश्ते में दोस्ती रखने की, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आए, पैसे से रिलेटेड कोई नया काम धंधा शुरू करे और एक स्टेबल लव ऑफर के साथ आपकी तरफ आए, ऐसा ही ये चाहते हैं। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो, खुद वर्गो हो लेकिन आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, कोई लिब्रा हो सकता है। देख लेते हैं अगर ये एक्शन लेंगे आपके पर्सन वर्गो तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपके पर्सन एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या रहेगा, देख लेते हैं। वर्गो, द टावर, द हामेट एंड द डेविल, जिन लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि दो रिश्ते में कुछ लोग जगलिंग कर रहे हैं, कुछ कुछ लोगों के लिए दोनों के बीच में ही प्यार है लेकिन फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ लोगों के लिए आपके साथ रिश्ते में आना उनका विश फुलफिलमेंट है। तो एक्शन के बारे में अगर मैं कहूँ, ये रिश्ते में कुछ ऐसी चीजें होंगी इन दिनों, अनवांटेड कुछ चीजें होंगी जिसकी वजह से रिश्ता स्टक हो जाएगा, क्योंकि किसी थर्ड पार्टी के नजर इस पर है, कोई कुछ कर रहा है, किसी के लिए घर के कोई सदस्य हैं जो बहुत जो अनुभवी हैं, किसी के लिए रिश्ते में डेफिनेटली थर्ड पार्टी है शादी के अलावा भी, और ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से ये रिश्ता स्टक हो जाएगा। इस रिश्ते में मूवमेंट की जगह, जैसा कि ये बंदा सोच रहा था ये करेंगे वो करेंगे, बंदा या बंदी, उस चीजों को पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा, स्टक हो जाएगा, किसी की कंट्रोल इशू इतना ज्यादा होगा कि वो रिश्ते को कंट्रोल करेंगे और उसके वजह से, और ये अनवांटेडली होगा और ये होना भी जरूरी था, इसे आप डिवाइन इंटरवेंशन भी कह सकते हो, जिसकी वजह से ये पूरी जो प्रोसेस था ये चीजें रुक रुक जाएगा और रिश्ते में फिर से एक स्टकनेस आएगी, और किसी की कोशिश से, मेहनत से रिश्ता बाद में सही होगा, लेकिन इस हफ्ते मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस रिश्ते में कंट्रोल इशू है, पूरी तरीके से कंट्रोल इशू है, और ये कोई नया रिश्ता नहीं है और आप लोग कोई नए बंदा या बंदी नहीं हो, पूरी तरीके से मैच्योर हो। इस रिश्ते में एडिक्शन, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन सब कुछ है, चाहे आप एक दूसरे के साथ लव रिलेशन में हो, चाहे शादी के अलावा भी रिश्ते में हो, चाहे एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो तो भी घर वालों की इन्फ्लुएंस, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी,
किसी की रिश्ते में कंट्रोल इशू, कोई और रिश्ते में होने की वजह से, कोई थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, कुछ भी पार्टी पुटी जो है, ये ऐसी चीजें होगी, कुछ ऐसी मोमेंट आएगी जो होना जरूरी भी था, और इसके बाद हर किसी की सोच में परिवर्तन आ जाएगा। जैसा आप सोच रहे थे उसमें परिवर्तन होगी, और ये होना जरूरी भी था, और ये आप इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि ये होने से सब कुछ सही हो जाएगा, फिलहाल स्टक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम, हमने देखा, अभी हम देखेंगे एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। हेल्पफुल पीपल, आपको पहली बात जो है वर्गो, आपको लोगों की मदद लेनी चाहिए, आपके आसपास की लोगों से आपको पूछनी चाहिए, अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ाना चाहिए। हो सकता है जिन चीजों को आप खुद नहीं समझ पा रहे हो, सकता है कोई दूसरा आपको ये चीजें समझा दे। दूसरी बात, आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, अपने आसपास की लोगों का हेल्प करना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों की ब्लेसिंग से भी ठीक होता है, तो लोगों की ब्लेसिंग्स लीजिए, लोगों की मदद कीजिए, और अपना जो फ्रेंड सर्कल है उसको और बढ़ाइए, लोगों से डिस्कस कीजिए कि जो हो रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है कोई बंदा या बंदी आपको ऐसी कोई सजेशन दे दे जिससे आपको डिसीजन लेने में सहज हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।